रविवार 4 अगस्त 2024 को नागपुर जिला भाजपा का एक दिवसीय महाअधिवेशन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में संपन्न होगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुधाकर कोड़े इनके द्वारा दी गई। रविवार 4 अगस्त 2024 को नागपुर जिला भाजपा का एक दिवसीय महाअधिवेशन प्रसन्न सेलिब्रेशन हॉल सावनेर में आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। सत्र की कार्यवाही दोपहर 1 बजे से शुरू होगी और शाम 7 बजे तक चलेगी। जिलाध्यक्ष सुधाकर राव कोड़े की अध्यक्षता में होने जा रहे इस सत्र का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े करेंगे तथा समापन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में होगा। सम्मेलन के कार्य में निम्नलिखित विषय पर चर्चा की जाएगी। किसानों के लिए कृषि बिजली छूट के संबंध में एक प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉ. राजीव पोद्दार यह प्रस्ताव पेश करेंगे। महाराष्ट्र के साथ साथ जिले की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का प्रस्ताव रखा जाएगा और पूर्व विधायक एवं प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा डॉ. आशीष देशमुख यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। विदर्भ संभागीय संगठन मंत्री डॉ. उपेंद्र कोठीकर संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। जिला परिषद में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की भूमिका पर जिला भाजपा महासचिव उदय सिंह और गच्चू जी यादव, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष एवं लोकसभा चुनाव प्रमुख अरविंद गजभी, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता के विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। कल 4 अगस्त को सावनेर प्रसंग सेलिब्रेशन में भारतीय जनता पार्टी का जिला महाअधिवेशन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम के उद्घाटक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय बावनकुड़े साहब है और ये महाअधिवेशन का समारोप आदरणीय इस राज्य के लाडले उपमुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन में शेतकरी को जो बीज माप का निर्णय इस राज्य के लाडले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने लिया है, उनका अभिनंदन प्रस्ताव, राजकीय प्रस्ताव, लाडली बहन योजना का प्रस्ताव इत्यादि सारे प्रस्ताव और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होने जा रही है। यह अधिवेशन में करीबन 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ता 6 विधानसभा क्षेत्रों से सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं और बंधुओं को विनंती है कि आप इस अधिवेशन का लाभ ले और इस अधिवेशन में सम्मिलित हो। प्रदेश पदाधिकारी एवं सदस्य, जिला पदाधिकारी एवं सदस्य, पूर्व विधायक, सांसद, राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्र परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद सदस्य, जिला आघाड़ी, प्रकोष्ठ मोर्चा के पदाधिकारी व सदस्य, मंडल पदाधिकारी, सभी जन प्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, परिवार बैंक निदेशक, शैक्षणिक संस्थान निदेशक, सभी को विशेष निमंत्रित किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।